जहां 95% सवाल आते हैं, आपको वहां फोकस करना है, कोर एरिया पे रहोगे एग्जाम क्रैक होगा। आप लोगों को रिजल्ट दिलवाना है तो दिलवाना है। अब जब इतना तक लड़ाई लड़ ली है तो उसकी बीपीएससी के अंदर ले जाने की भी जिम्मेवारी हमारी है और वो हम निभाएंगे उसको। एवरीवन, बहुत दिन से इंतजार था कि कुछ हम डेट मूवमेंट इनसे थोड़ा सा आगे निकला जाए, मौका नहीं मिल पा रहा था उस समय, आगे निकलना भी बेमानी होती तो इसीलिए कोई वीडियोस नहीं आ रहा था। अब चीजें क्लियर हो गई है। 21 तारीख का जो डेट आ रहा है, इसके डेट की थोड़ी बढ़ने की संभावना है, हमें 21 मान के चलना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यूपीएससी को लेकर कंसीडर नहीं किया जा रहा है। आयोग अब अलर्ट है, क्या कहते हैं उसको, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कुछ यही स्थिति हो गई है। तो अब उनको लग रहा है फिर से हंगामा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डेलीगेशन भी जो कल मिलने जा रहा है वो भी आपकी बात रखने वाला है, तो इसीलिए आप परेशान ना हो। लेकिन आप अगर ये सोच रहे होंगे कि आयोग साहब ने बहुत पहले तो ये कहा था कि अगर एक सेशन में लोगे तो 6 महीना का टाइम देना होगा, अभी तुरंत रेडी हो गए 21 तारीख को लेने के लिए, चल कुछ और रहा था, हो कुछ और रहा था। खैर, एक आदमी के कारण परेशानी बहुत हुई, लेकिन अब हम लोग भी स्टूडेंट है, स्ट्रगल करना हम लोग को भी आता है। तो अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, सिंपल से ऐसे समझिए, सिंपल तरीके से इसको ऐसे लीजिए कि अगर डेट थोड़ी बढ़ेगी भी ना, तो स्टार्टिंग के अक्टूबर के आसपास का जो डेट जो भी खाली होगा, जितना जल्दी ले सकते हैं ना उतनी जल्दी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि है तो एक्टिव की एकदम लेके सब कुछ साफ करें, नए तरीके से नए वैकेंसी को हम लेके आए, तो उसको लेकर ये कोशिश करेंगे, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग एफर्ट करेंगे। लेकिन थोड़ी सी इम्बैलेंसेस आ गई है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप देख लो, वो करना है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अभी मूवमेंट के दौरान कुछ लोग लगातार पढ़ रहे थे, वो अपना काम कर रहे, उनको कोई मतलब नहीं मूवमेंट से, सारे नोटिफिकेशन को बंद कर रखा था। कुछ लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट, मार भी खाया, डंडा भी खाया, तबियत भी खराब हुई, हाथों हाथ में चोट वोट भी लग गई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो पढ़ाई में अंतर आया है, इसमें आपसे इनकार नहीं कर सकते। अभी मेरे दिमाग में ये था कि इस बीच जो मेरा रेगुलर क्लासेस चल रहा है वो तो चल रहा ही, अब मैं सोच रहा हूं कि उस तरह के रेगुलर फी पे मैं बैच नहीं ले गया, मेरा ये मानना है कि नहीं ले गया है। तो इसको लेकर हम जो सोच रहे हैं, पहले उसमें बात करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी पे आते हैं। वो सोचते हैं कि आपको करंट और चीजें आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिले, प्रॉपर तरीके से मिले, तो करंट अफेयर्स की बात करें जिसमें इंक्लूडिंग बिहार, इसके अंदर हमने 5 टेस्ट प्लस क्लास प्लस नोट्स को ऐड किया, आप बता दीजिएगा ठीक है कि गलत है। देखिए, एक छोटा सा मतलब एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, मात्र 1000 स्टूडेंट के आसपास थे, इतना उन्होंने इतने मतलब गंदे गंदे कमेंट्स, अपने में लड़ रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे थे, फाइनली ब्लॉक करके हटाना पड़ा बहुत सारे लोगों को। तो फ्री में आपको, मैं फ्री में ही देना चाहता हूं, बट फ्री में नहीं इसलिए दूंगा, वो आपके लिए फ्री है बट फ्री में इसलिए नहीं देंगे कि उसके बाद इंटर ग्रेजुएशन जिनको नहीं भी पढ़ना है ना वो भी आ जाएंगे और वो चीजें खत्म हो जाएगी, जैसे अभी ग्रुप में हुआ ना वही हाल हो जाएगा हम लोगों का। इसलिए इसको रोकते हुए मात्र 100 रुपीज हमने रख दिया है कि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है ना वो नहीं आएंगे, जिनको करना है वही आएंगे। इसके अलावा एक और बात है कि ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स में ज्यादा दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट की, मैपिंग नहीं कमजोर है, इसके कारण आजकल ज्योग्राफी के सवाल गलत हो जा रहे हैं, हम लोगों ने उसको भी टारगेट किया है। और इसके लिए टाइम अभी तय नहीं हुआ है, अभी बस ये दिमाग में आया है, मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, करूं कि ना करूं, और अभी अभी टाइम मेरे दिमाग में नहीं है। आज अगर आप कहोगे तो रात तक अपडेट कर देंगे, अदरवाइज ठीक है। यहां पे हमने इसके लिए 200 रुपीज रखा है। और अब फाइनल जो है लास्ट, इसके अंदर करंट अफेयर्स की सारी चीजें प्लस ऑल सब्जेक्ट, मैथ्स नहीं ऑल सब्जेक्ट, प्लस नोट्स, अभी एकदम स्पेशल शॉर्ट नोट्स आपको देंगे, इसमें स्पेशल शॉर्ट नोट्स देंगे जो सीधा एग्जामिनेशन में हिट करने वाला है, सीधा हिट करेगा, ठीक है, क्योंकि हम अंतर अभी लड़े हैं आपके लिए ना, इस बार कहते ना अंदर से पवित्र कर दो, तो जेन्यून स्टूडेंट सबको अंदर घुसाना है, ये मतलब इस बार दिमाग समझो कि सटक गया है एक तरह से, उनको घुसाना ही घुसाना है, अंदर लेके जाना है उनको,
और इसीलिए हम अपने उस रेगुलर के साथ रेगुलर को तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ये हमें स्पेशल लेके आ रहे हैं आपके। प्लस यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट क्लासेस होंगी, नोट्स होंगी, और यहाँ पे 10 टेस्ट भी हम लोग रख दिए हैं, 10 टेस्ट भी है ये आप लोग। और यहां पर भी नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं आए, क्योंकि लगेगा ना कि नोट्स भी मिल रहा है, क्लासेस भी मिल रहा है, चलो चले जाते हैं। तो यहां पे हमने बस 300, कोई बोझ नहीं आपके पॉकेट में पड़ेगा। इसके साथ ये सब इंक्लूड है, यहां पे तो सब इंक्लूड है। अगर किसी को सिर्फ करेंट करना है, बाकी पे कमांड वो करेंट कर लीजिए आप अपने हिसाब से। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में दिक्कत है तो वो कर लीजिए। साइंस का हम लोग सोच रहे हैं, अगर कहोगे तो साइंस को सेपरेट करके साइंस को भी ले आएंगे, लेकिन यहां पे तो सब कुछ होगा। तो जिनको ओवरऑल सारे चाहिए वो यहीं पे आ जाओ तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज अब इसमें भी करना है कि नहीं वो आप बता दीजिए, ये आपके आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी हमारा जो रेगुलर क्लासेस है वो तो चल ही रहा है और वो चलता रहेगा, तो अपना देख लीजिएगा। बट अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी को लेकर, ये इसको लेकर हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। स्ट्रैटेजी को लेकर अब बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होना चाहिए, देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है ना जिसपे अक्सर हाँ कमांड होता है। अगर हम आर्ट्स वाले की बात करें, आर्ट्स वाले की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री पे उनका कमांड होता है, पॉलिटी पे उनका कमांड होता है, ज्योग्राफी कमोबेश ठीक होता है, ठीक होता है। उसके बाद करेंट अफेयर्स अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और बिहार स्पेशल इतने पे कमांड होता है खासकर, और जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है ना उनका ओवरऑल हिस्ट्री पे ही कमांड होता है, ठीक है, ओवरऑल हिस्ट्री पे ही कमांड होता है। इसको अभी देखिए, साइंस वाले को साइंस पे ओवरऑल कमांड होता है, ओवरऑल कमांड होता है, मैथ्स पे भी कमांड होता है, इनकी भी पॉलिटी काफी अच्छी होती है, पॉलिटी पे इनको कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी भी इनकी सो होती है तो ज्योग्राफी भी ठीक ठाक रहता है। इसके अलावा करेंट पढ़ा है तो बहुत अच्छा, बिहार स्पेशल पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फंसेगा अदरवाइज। तो यहां पर देखिए आर्ट्स और साइंस, और अगर आप इस तरह से सेक्शन पे कमांड बना के रख लिए हो तब भी आप रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट आप तब भी दे रहे हैं क्योंकि आपने यहां साइंस वाला हिस्सा पकड़ लिया और यहां पे आपने आर्ट्स वाला हिस्सा पकड़ लिया। और अगर ये कर दिया तो फिर आपका काम बन जाएगा। जो अलग हो रहा है वो हो रहा है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किसका अच्छा होगा और किसका खराब होगा ये तय कर पाना साइंस और आर्ट्स के बेसिस पे संभव नहीं। अब आप एक चीज और एकदम माइन्यूट ऑब्जर्व हम लोग करेंगे। अब इसमें क्या होता है, आर्ट्स वाले का बायो पे प्लस फिजिक्स पे थोड़ा कमांड होता है, आर्ट्स वाले को बायोलॉजी और फिजिक्स पे थोड़ा कमांड होता है, और ये जो साइंस वाले होते हैं इनको मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड होता है। तो आर्ट्स वाले बायो और बायो का, चलो फिजिक्स छोड़ भी दो ना फिजिक्स को, तो बायो का एक बड़ा सेक्शन जो साइंस में सबसे अधिक है, और साइंस वाले का मॉडर्न हिस्ट्री भी ठीक ठाक होता है, डेट्स वेट्स को छोड़ दिया जाए, एंशियंट में बेचारे सीट पकड़ लेते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन पे हैं तो अभी मेरे हिसाब से जो दिक्कत आपको क्रिएट करेगा वो करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स की क्लास आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये जो हमारा करेंट अफेयर्स है इसको आपको प्रीवियस कम से कम 1.4 ईयर का आपको कवर करना है, 1.5 साल का कर लीजिए ज्यादा बेहतर है, नहीं भी करोगे तो ज्यादा झंझट की बात नहीं, 1 साल करना है। नए चेयरमैन साहब हैं, क्वेश्चन अब सेट होगा आपका, अभी तक तो नहीं हुआ होगा, तो आप कहोगे तो कम से कम क्वेश्चन अभी भी सेट नहीं हुआ होगा, अब हो रहा होगा, तो कम से कम 31 अगस्त को तो आप छोड़िए मत, मेरी मानिए तो 5 सितंबर तक का करेंट अफेयर्स अपडेट करके जाइए, क्योंकि वो भी आपके इंतजार में ही बैठे होंगे, समझ रहे हैं ना। तो कम से कम 5 सितंबर का करेंट अफेयर्स अपडेट करके जाइए। अब जो आप करोगे, अब यहां पर एक और कैटेगरी आपकी हो सकती है, स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ये तो एक टाइप हुआ जिसमें आप अपने आप को डिवाइड करेंगे कि आप आर्ट सेक्शन में ज्यादा कंफर्टेबल हो कि साइंस सेक्शन में। अगर आप आर्ट सेक्शन के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल है तो हिस्ट्री पोर्शन पे क्विक रिवीजन जो है ना, बहुत ही शार्पली रिवीजन करना शुरू कीजिए,
हिस्ट्री सेक्शन की, उसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी को आप एक मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट, थोड़ा सा संघ और राज्य को देख लीजिए, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो आप बना लोगे या आपसे नहीं बनेगा। ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा सा दो दिन दो दो घंटे मैप पे दे दीजिए, क्योंकि मैप बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। अफगानिस्तान की सीमा सबसे अधिक कहां लगती है, तो ये आपका यहां ठीक हो जाएगा। अब रहा सवाल करेंट अफेयर्स और बिहार का, तो करेंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन, दो मैगजीन आप ले लीजिए, करेंट अफेयर्स हम आपके अवेलेबल करवाएंगे, तो कोई भी दो मैगजीन आप ले लो, उससे आपका हो जाएगा। कोई भी, अगर आप पहले से किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो कीजिए। बिहार स्पेशल की बात करेंगे, यहां पे आपको मोटी किताबें कोई भी नहीं लेनी है, कोई भी नहीं, कोई भी पतली किताब दो बिहार स्पेशल की, दो बिहार स्पेशल की। अच्छा एक और बात, ये कहने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता, ये मैं जो किताब की बात कर रहा हूं इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अब आपके पास जो भी मेटेरियल होगा वो होगा, अब उसके अंदर किताब लेके क्या पढ़ोगे, तो मेरे हिसाब से होगा, अगर नहीं है तो 30-40 रुपए 50 रुपए की जो पतली पतली किताबें आती है ना, तो वो आप बिहार स्पेशल के लिए ले लीजिए, उसको दो दिन में निपटा सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए तो आपको किताब लेना होगा तो नया लेना ही होता है, आपने ले रखा होगा उसको ठीक से आपको खाली पढ़ जाना है। तो ये तो हुआ आपको आर्ट सेक्शन का। साइंस की अगर हम बात करें तो जो साइंस के अंदर है उनको मॉडर्न, अच्छा इसके अलावा यहां पर एक और बायो पे आपको अच्छा पकड़ बनाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री आप स्किप कर सकते हैं, इतना कर लोगे ना तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए आपको करना कहां से, आपको करना कहां से ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम अगर साइंस बैकग्राउंड वाले की बात करें तो मैथ्स पे आप देख लेना, बन रहा है तो बनेगा, इस पर प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप अगर मैथ में कंफर्टेबल है तो वहां आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि सारा दिमाग लगा के आप बना लोगे, अदरवाइज इस पे स्किप कर सकते हैं। पॉलिटी का एज इट इज हाल यहां भी होगा, साइंस पे पूरा कमांड कर लीजिए, ज्योग्राफी पे मैपिंग वाला जो मैंने बात बताया वो, करेंट अफेयर्स और बिहार पे सेम फंडा, और मॉडर्न हिस्ट्री की इसलिए कह रहा हूं कि मिडाइवल और एंशियंट में आपको दिक्कत हो सकती है, साइंस बैकग्राउंड वाले को दिक्कत हो सकती ही नहीं है, होती ही है, तो कोशिश कीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री को आप ठीक कर लीजिए और बाकी सेक्शन को आप स्किप कर सकते हैं। अब रहा सवाल यहां पे इकोनॉमिक्स का, टर्म्स समझ में नहीं आते, टर्म्स से सवाल होता है, फैक्ट्स भी होते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन एवरग्रीन टाइप का है, मनरेगा कब आया, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना का कौन सा कब रोलिंग प्लान आया था, प्लान होलीडे कब आया था, तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, इस फैक्ट को आपको दो घंटा लगेगा, हार्डली दो घंटा लगेगा। जो प्रीवियस ईयर का घटना चक्र का किताब आता है ना, उससे अपने पेज में नोट कर लीजिए, 3-4 पेज में वो फैक्ट खत्म हो जाएगा, किताब को फेंक दीजिए, फैक्ट याद कर लीजिए, सवाल वहीं से आएगा, अब टर्म समझने का टाइम नहीं रहा, क्योंकि आप अकेले टर्म समझेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सीधी बात है, वहां से उस फैक्ट्स को याद कीजिए, 2-3 क्वेश्चन आ ही जाना है, और टर्म्स को भूल जाइए। अभी स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, क्योंकि जिस तरह से मेंटली हरासमेंट हुआ है ना, आपको उसको फुलफिल करने में भी टाइम लगेगा, तो स्मार्ट स्टडी के तहत जिस पे आपकी पकड़ है उसको मजबूत करना है, जिसके कारण आपको लगता है चीजें छूट सकती है, कमी हो सकती है, तो गड़बड़ ना हो जाए, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है। और फाइनल जो लास्ट है वो ये है, लास्ट सजेशन याद रखिएगा, हर बार हमने दिया है और हर बार काम किया है, 5% के पीछे भागना छोड़ देना, नहीं तो 95% आपका खराब हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में एक दो करके ऐसे सवाल होंगे जो आप लाख पढ़ लोगे तब भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो वो एक दो के चक्कर में पूरा पीएचडी नहीं करना है आपको, ये 5% वैसे सवाल आएंगे ही, आते ही हैं हर एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा, वहां आएंगे ही आएंगे और आते ही हैं, तो इनके पीछे दिमाग नहीं लगाना, ये नहीं कि उसी डायरेक्शन में बह जाना है जहां 95% सवाल आते हैं, आपको वहां फोकस करना है, कोर एरिया पे रहोगे एग्जाम क्रैक होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं होता है। तो होपफुली कि आप अभी इस पे काम करेंगे, फीडबैक दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम करेंगे। आप लोगों को रिजल्ट दिलवाना है
तो दिलवाना है। अब जब इतना तक लड़ाई लड़ ली है तो उसकी बीपीएससी के अंदर ले जाने की भी जिम्मेवारी हमारी है और वो हम निभाएंगे उसको। मिलते हैं अगले वीडियो में।